गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज सैटरडे है, आज वीकेंड का फर्स्ट डे है और आज मेरी छुट्टी है, लेकिन आज हमें डॉक्टर से मिलने जाना है क्योंकि मेरी वाइफ को पैर में दो चार दिनों से दिक्कत है, पेन हो रहा है। तो आज BLK में हमारा अपॉइंटमेंट है 10 बजे का, तो आज निकलेंगे थोड़ी देर में भी हम लोग। तो अभी हम लोग मैक्स BL के हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, तो चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको। तो डॉक्टर को हमने दिखा लिया है और हम लोग बाहर आ गए हैं, और डॉक्टर ने मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब किया था, कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं लिखा है। और ये सामने देखिए 108 फुट के हनुमान जी की मूर्ति, यहाँ से मेट्रो गुजरती है और ये बहुत बार टीवी में आप लोगों ने ये देखा होगा दृश्य, क्योंकि बहुत सारे सीरियल वगैरह में ये दिखाया जाता है। तो मुझे हम लोगों को रास्ते में ही दिखाई पड़ गए, झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है ये मूर्ति। तो आप भी आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही भव्य प्रतिमा है, बहुत मान्यता है इनकी। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर है, ये दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, MCD का हेडक्वार्टर भी है ये। इसमें 28 फ्लोर है, 28 फ्लोर का बिल्डिंग है ये और इसकी ऊंचाई 112 मीटर है। तो ये दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, इसमें इनकम टैक्स का ऑफिस है, MCD का हेडक्वार्टर ही है, तो ढेर सारे ऑफिसेस भी हैं इसमें। और ये वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है, इसकी बनाने का कॉस्ट लगभग 650 से 700 करोड़ खर्च हुआ है इसमें। ये बिल्डिंग ऐतिहासिक दिल्ली के रामलीला मैदान के बिल्कुल सामने स्थित है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है, तो इसको आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है, वर्ल्ड क्लास है। रास्ते में हम आ रहे थे और काफ़ी देर हो भी गई थी, तो हमें प्यास लग गई थी, तब तक कि नारियल पानी दिखा हमें, तो हम लोग रुक गए और नारियल पानी हम लोग ले रहे हैं। नारियल पानी बहुत बढ़िया लगा, अब बिल्कुल निखारिस पानी है। अभी हम लोग आधे घंटे पहले हॉस्पिटल से घर पहुंचे हैं और हमने खाना वाना भी खा लिया है, लगभग 2:30 बज रहा है। और आज सैटरडे है, तो आज मेरे कुछ दोस्तों के साथ प्लान है कहीं घूमने का आसपास में ही, उन्होंने बोला था कि कहीं चलेंगे, तो अब थोड़ी देर में हम निकलते हैं उनके साथ और फिर जाके दिखाते हैं आपको। हेलो दोस्तों, आज हम अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे हैं, तो आज बाहर निकले थे घूमने उमने के लिए। अभी रास्ते में थोड़ा भूख लगा तो हम लोग आ गए इस रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए, चलिए आपको दिखाते हैं। ये कड़ा में उबला हुआ दूध है और इसका टेस्ट में काफ़ी सौंधापन होता है, मुझे बहुत ही पसंद है, तो हम लोग यहीं लेने वाले हैं। और ये चूल्हे के आंच पे उबला हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसमें। अब ये दूध जो है ना कुल्हड़ में देंगे, ये कुल्हड़ है और ये दूध है, ये हम लोग लेने वाले हैं। और साथ में गर्मा गर्म जलेबी निकाल रहे हैं, अभी गर्मा गर्म जलेबी निकल गई है। ये हमारे दोस्त हैं सुनील कुमार मंडल जी, और अभी हम लोग आउटिंग पे आए हुए हैं, थोड़ा सा निकले हुए हैं। ये कुल्हड़ वाला दूध है और ये जलेबी एकदम गर्मा गर्म है, अब हम लोग बैठ के इसका आनंद ले रहे हैं। चलिए ओके दोस्तों, स्पेशलाइजेशन इनका समोसे में है और जलेबी में है, और साथ में दो कड़ा वाला दूध तो है वो भी दिखता है इनके पास। और यहाँ के जो भी स्वीट्स हैं वो प्योर घी में, घी का बना हुआ है,
नो डाउट। तो दोस्तों आज का डे काफ़ी अस्त व्यस्त रहा। शुरुआत हुई डिस्पेंसरी से, फिर हॉस्पिटल, और लेकिन एंड बहुत अच्छा रहा कि फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हुई और फेवरेट स्वीट हमें मिला खाने को, क्योंकि मुझे जलेबी बहुत पसंद है और वो भी शुद्ध देसी घी की जलेबी, साथ में वो कड़ा हमें उबला हुआ दूध, तो ये तो कुल्हड़ में तो बहुत ही आनंद आ गया। और फिर दोस्तों के साथ एक दो घंटे कैसे निकल गए, 3 घंटे पता ही नहीं चला, बहुत मज़ा आया। तो इस तरह से डे का एंड बहुत ही शानदार रहा। तो इस तरह आज का जो भाग दौड़ रहा वो थकावट भरा रहा, तो मैं थोड़ा थक गया हूँ और मैंने एडिटिंग भी अभी कर दिया है, काफ़ी रात भी हो गई है। तो इस तरह से इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक से मेरे ब्लॉग को पसंद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।